चिल्ड्रन, नेक्स्ट आपका आता है ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस में सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, दैट इज योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो याद रखने वाला है, ठीक है। किस टाइप का मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक, यानी जो फूड पाइप होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करके फूड को मूव कराती है टूवर्ड द स्टमक, ओके। यहाँ पर होता है नो डाइजेशन, किसी भी टाइप का मतलब किसी भी पार्ट का न्यूट्रिशन का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। चाहे फैट, प्रोटीन, किसी का भी डाइजेशन नहीं होगा। और मोमेंट कौन सा होगा? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका स्टोमक। स्टोमक के वॉल में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस का, ओके। गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही थ्री पार्ट्स में मतलब सीक्रेशन होता है। फर्स्ट होता है HCl का, पेप्सिन का और म्यूकस का, ओके। HCl जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपका जो फूड आ रहा है, ठीक है, कहाँ से? माउथ से। ईसोफेगस के थ्रू जो आपका फूड आता है स्टमक में, उसको प्रोवाइड कराता है एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड कराता है? क्योंकि इसमें आपका जो पेप्सिन होता है, ठीक है, पेप्सिन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। पेप्सिन एक्टिव हो जाता है और वो किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। किसमें? सिंपल्स मॉलिक्यूल में, ओके। जैसे HCl का सीक्रेशन होगा, ये पेप्सिन मतलब डीएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही HCl का सीक्रेशन होगा, ये पेप्सिन किसको एक्टिवेट होके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा सिंपल सब्सटेंसेस में, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड सीक्रेशन होता है म्यूकस। म्यूकस जो होता है, ये HCl ऑब्वियसली बेटा एसिडिक है, तो इससे हार्मफुल जो इफेक्ट होता है स्टोमक की वॉल पर, तो वॉल पे, तो उससे भी इसको ये म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। HCl का एक और वर्क भी है, दैट इज किल द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को भी किल करता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है स्टमक में, ये इंपॉर्टेंट है, ओके।